नमस्कार, वेलकम अभिनंदन। एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाने व्यापार में आज किसे होगा लाभ और किसे नुकसान, आज कैसे रखें अपनी हेल्थ का ध्यान, नौकरी और करियर में आज कैसा बीतेगा आपका दिन, या आज आपको मिल जाएगा आपके सपनों का पार्टनर। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब जानते हैं 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास माघ है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु शिशिर ऋतु है। आज दशमी तिथि शाम 5:24 तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:54 तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग ध्रुव योग दोपहर 10:52 तक रहेगा, इसके बाद व्याघात योग लग जाएगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 7:07 तक होगा। आज चंद्रोदय रात 3:50 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक रहेगा। आज राहुकाल सुबह 8:29 से शुरू होकर सुबह 9:51 तक रहेगा। अब जानते हैं 5 फरवरी का राशि फल। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ जीवन, आत्मा और आध्यात्मिकता के विचार आपके दिमाग में हाल ही में रह रहे हैं। आपके आध्यात्मिक झुकाव को हाल ही में एक करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में कुछ नुकसान के साथ करना पड़ सकता है, या ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना के साथ कुछ करना हो सकता है। आध्यात्मिकता की ओर ये झुकाव आपके लिए अच्छा होगा। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है ये आपको उन चीजों के अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करेगा जो मायने रखती हैं और जो चीजें सतही हैं। लव लाइफ के मामले में आज आप और आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आप आज किसी आयोजन में लगे हैं तो आपके पार्टनर आपको एक बहुत अच्छा तोहफा दे सकते हैं, आप उसकी भरपूर तारीफ करेंगे। आज अपने कार्य क्षेत्र में आप कुछ नए संबंध बनाएंगे जिनसे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। नए लोगों से मिलने को तैयार रहें व अपने साथियों से गहराई में बात करें। आप कोई दोस्ती कर सकते हैं जिससे कि कार्य क्षेत्र में आपको फायदा हो सकता है। आज किसी को भी नजरअंदाज ना करें, क्या पता भविष्य में किसकी जरूरत पड़ जाए। धीमी चाल से जीत का इरादा, यही आज आपका आर्थिक मंत्र होना चाहिए। आपको अपने निवेश का तुरंत तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, पर आगे चलकर लाभ सुनिश्चित है। कोई चिंता ना करें, एकदम बेफिक्र हो जाइए। सोच समझकर किए निवेश आपको फायदा जरूर पहुंचाएंगे। हेल्थ के मामले में जिन्हें आप प्यार करते हैं उनकी सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। उनके ग्रह उनकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए आप उनकी सहायता करें। आज के दिन एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों के अकॉर्डिंग आपके भाग्यशाली घंटे दोपहर 3 से 5 के बीच में रहेंगे। लाल आपका भाग्यशाली रंग रहेगा। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। प्रिय वृषभ राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के स्थित होने के परिणाम स्वरूप आज आप बहुत ही रोमांटिक महसूस करेंगे। आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार होगा, जिस वजह से आप आज 7वें आसमान पर होंगे। आज खुशी और संतोष की भावना आप पर भारी होंगी, इसलिए आप अपने साथी को बाहर ले जाएं घूमने फिरने, एंजॉय करने। इस सकारात्मकता की वजह से आपके कार्य में भी इसकी झलक दिखेगी और आपके सभी सहकर्मी इस बात का गर्व महसूस करेंगे कि वह आपके साथ कार्य करते हैं। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने लिए एक बहुत अच्छा दिन बना देंगे, क्योंकि आज आप बहुत रोमांटिक फील करेंगे आज के दिन। लेकिन किसी नए रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, तो नए रिलेशनशिप को शुरू ना करें। अगर आप मैरिड हैं तो अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में हुए बदलाव के बारे में सोच कर ये निर्णय लेना चाहिए कि आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखें व उसी दिशा में केंद्रित होकर काम करते रहें। आर्थिक स्थिति के मामले में आज एक हाथ से आया तो दूसरे से गया। आपकी कमाई तो अच्छी होगी, पर अचानक बहुत बड़ा खर्च आ जाएगा और आप चिंता में पड़ जाएंगे। इसका मतलब अच्छे के साथ कुछ कड़वे का भी स्वाद आज लेना पड़ सकता है, तो बस किसी तरह बैंक अकाउंट का सही संतुलन बनाए रखें, कम से कम आज आपके खाते में घाटा ना हो। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपनी सेहत को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, बल्कि किसी करीबी की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपके ऊपर तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको अपना ख्याल भी रखना होगा ताकि आपकी सेहत खराब ना हो। शाम 4 से 6 का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय पर आप अपने इंपॉर्टेंट कार्य कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने साथी को
इसी समय के दौरान बाहर लेकर जाइए। आज के लिए शुभ रंग नारंगी रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप खुद को सबसे उदार लोगों में से एक मानेंगे। किसी के पास आपके भाग्य का आशीर्वाद होगा। दूसरों के साथ दया भाव से बात करें। अपने आसपास के लोगों के साथ हमेशा उदार रहें। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जाने की सोचें। अगर विवाहित हैं तो घर में रहकर भी आनंद कर सकते हैं। अपने पार्टनर के प्रति रोमांस इजहार करने का आज उत्तम दिन है। विवाहित जोड़ी पहले की तरह डेटिंग पर जाने की सोचें। अपने ग्रुप में पहचान मिलने व करियर में वृद्धि के कारण आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। जहां तक करियर का सवाल है, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी योजनाएं सुचारू रूप से चलेंगी। आपके साथी आपके प्रदर्शन की सराहना करेंगे और आपके उच्च अधिकारी आपके काम करने के तरीके से खुश होंगे। ऑफिस में सारे दिन एक से नहीं होते, इसलिए आपको आज के दिन का पूरा मजा लेना चाहिए। आपकी मेहनत की बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी ये सफलता बहुतों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए आर्थिक प्रबंधन के लिए जो तरीके अपनाए आपने वो बहुत ही अच्छे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू रखिए। आपको ये अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, आगे लोगों में भी अपनी टिप्स जरूर देनी चाहिए। आप जिन्हें प्यार करते हैं, हो सकता है वो आज बीमार पड़ जाएं। इस परेशानी में आप उनके साथ खड़े रहें और उनके हर तरह से काम आने की कोशिश करें। आप भावनात्मक तरीके से उनके साथ रहें क्योंकि उन्हें आपसे इसी चीज की जरूरत है। पीला रंग आज आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। दोपहर 12:30 से 2 का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या कहते हैं आज के सितारे। प्रिय कर्क राशि के जातक, आज आप पाते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और ये आपके आसपास के लोग हैं जो इसे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। आप अपने परिवार और साथियों के लिए भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। दूसरों की भलाई के लिए इस विशेष पद का लाभ उठाएं, वे इसके लिए आपका धन्यवाद करेंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है कि जैसा कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखेंगे। ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में अपने समय के शीर्ष पर हैं और अन्य लोग आपके कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। आज आपके प्यार की ओर से आपको तोहफा मिलेगा। बड़े प्रेम और जज्बात के साथ दिए गए तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करें। आज आप अपने पार्टनर के प्रति रिश्ते में गर्मजोशी दिखाएं। उनको लगेगा कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। लंबे समय से चली आ रही आपकी कोई इच्छा आज पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिणाम से उन्हें खुशी व आश्चर्य दोनों ही होंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं, वो पाएंगे कि उनके लंबे समय के कुछ लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। इसके लिए आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। जो लोग काम के सिलसिले में यात्रा पर निकल रहे हैं, तो समझिए पूरा दिन यात्रा में ही बीतेगा। अगर आप ट्रैवल व्यापार में हैं, तो समझिए इस व्यापार में आपको खूब आमदनी होने वाली है। हेल्थ के मामले में आज आपको छोटी छोटी बीमारियों से जैसे कि कफ और कोल्ड से बचकर रहना होगा। ध्यान रखें कि आप अपने हाथ अच्छी तरीके से धोएं और किसी भी वस्तु को बिना हाथ धोए मुंह में ना डालें। कोई भी खाना आप खाना चाहते हैं तो हाथ अच्छे से प्रॉपरली वॉश करके फिर ही आप करें। आपके लिए आज के दिन 3:00 से 4:00 का समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके लिए गुलाबी रंग आज बहुत ही लकी रहेगा। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है, एस्ट्रो योगी ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं, ये दिन कामकाजी पेशेवरों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और अपनी समय सीमा को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। यदि आपके पास कोई लंबित प्रोजेक्ट है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त घंटे तक काम कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आप और आपका पार्टनर आज एक जैसे मूड में होंगे। दिन सामान्य है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, पर प्यार और जज्बात का सामान्य प्रवाह दोनों महसूस करें। करियर के मामले में हाल में आपने नई नौकरी के बारे में जो निर्णय लिया है, आज आपको एहसास होगा कि आप ठीक हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं है,
और इससे आपके करियर में रुकावट आ सकती है, तो आपको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि ये नौकरी आपको बड़ी मेहनत के बाद मिली है। आज सभी ओर से उपलब्धियों का दिन है। आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है, कोई ऐसा धन या प्रॉपर्टी जो आपके हाथ से गया ही गया था लेकिन आज आपको वापस मिल जाएगा। कानूनी मामलों में भी आपकी जीत होगी और नतीजतन आपको कोई बड़ी रकम भी मिल सकती है। आगे बढ़कर इस मौके का फायदा उठाइए। हेल्थ के मामले में आज आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप जिन्हें प्यार करते हैं उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए आप घबराए हुए से रहेंगे, पर चिंता की बात नहीं है, आप उन्हें जांच के लिए लेकर जाएं, सब कुछ ठीक है। उच्चतम परिणामों के लिए दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच अपने इंपॉर्टेंट कार्य करिए। मैजेंटा कलर आपका लकी कलर रहेगा आज। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है, इसके गोचर की वजह से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं, व्यक्तिगत या पेशेवर। आप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए एक अच्छे दिन की उम्मीद भी है। पेशेवरों को आपकी समस्या क्षेत्र की पहचान करनी होगी और उनसे निपटने के लिए हर प्रकार की तैयारी भी करनी होगी। हालांकि परिवर्तन की भावनाओं को तेज करने के लिए वे जो आग्रह पैदा करते हैं उसका पुरस्कृत होना निश्चित है। लव लाइफ में आज आप अपने प्यार की जिंदगी में कुछ यादगार लम्हे जोड़ेंगे। आज आप दोनों पहली डेटिंग पर जा सकते हैं या आप दोनों किसी सामने की चीज पर खुश हो सकते हैं। आपके ये लम्हे काफी दिनों तक यादगार बने रहेंगे। करियर के क्षेत्र में वृद्धि के संकेत हैं। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। क्या पता किस दिशा से कोई नया मौका आ जाए या फिर कौन कहां आप पर नजर लगाए बैठा हो, इसलिए हर समय अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें। आज लंबित पड़े बिल और उधार चुका देने का दिन है। आज आप कुछ निवेश करेंगे, इससे आपको लगेगा कि आपने भविष्य में आमदनी के कुछ उपाय कर लिए। हालांकि जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला नहीं करें, संभलकर कोई कदम उठाएंगे तो ही अच्छा होगा। आप जिन्हें बहुत चाहते हैं उनका ख्याल रखें, उनमें से कोई बीमार पड़ सकता है, हो सकता है बीमारी बहुत छोटी सी हो मगर लापरवाही ना करें। आज के दिन आपका शुभ समय 5 से 6 का रहेगा। शाम का समय आपके लिए शुभ रंग आज जो ऊर्जा को आकर्षित करेगा, जो सकारात्मकता लाएगा, वो है भूरा रंग। तो आज भूरे रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि के जातक, चंद्रमा की वृश्चिक राशि में उपस्थिति है जिससे कि आप व्यक्तिगत और पेशेवर सभी पक्षों से दबाव महसूस कर सकते हैं। अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बने और चीजों के प्रति ईमानदार रहें। ये उच्च दबाव की स्थिति गुजर जाएगी और आप जल्द ही अपने जीवन के दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की भावना महसूस करेंगे, ऐसी एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों की उम्मीद है। सितारे आज आपकी जिंदगी में कुछ हैरतअंगेज चीजें ला सकते हैं, मौके का फायदा उठाएं। लव लाइफ में अच्छा दिन है, अपने पार्टनर से खुलकर प्यार जताएं, आपको भी वैसा ही प्यार मिलेगा। आज का दिन आपकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लाएगा। करियर के मामले में आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी हालांकि मौज मस्ती के मूड में है लेकिन ये केंद्रित होकर पढ़ने का समय है। आज आपका ध्यान कुछ भटका रहेगा लेकिन सफलता पाने के लिए आपको फिलहाल मेहनत करनी चाहिए। अगर इस समय आप मेहनत करेंगे तो भविष्य में आपको इसका लाभ ही लाभ मिलेगा। आज आप अपनी ऊपरी कमाई को अपने दोस्तों और परिवार के मनोरंजन पर खर्च करेंगे। आप बहुत दिनों से काम से फुर्सत निकालकर कहीं मौज मस्ती करना चाह रहे थे, सो आज अपने ग्रुप के साथ जाइए, उन पर कुछ पैसे खर्च कीजिए। आज खर्च हो रहे पैसे की फिक्र मत कीजिए, बस जाइए और एंजॉय करिए। हेल्थ के मामले में आप कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने की कोशिश करें, हो सकता है आप इन बीमारियों के शिकंजे में फंस जाएं। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें और अपने हाथों को अच्छे से धोएं। आज के दिन फिरोजा रंग आपके लिए लकी रहेगा। शाम 7:45 से 8:45 का समय आपके लिए भाग्यशाली माना जाता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा की उपस्थिति बनाने के परिणाम स्वरूप आज उठने के बाद आप अपने जीवन को लेकर थोड़ा सा परेशान और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये भावना आपको चिंतित और कमजोर महसूस कराएगी।
एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के सुझाव से ये एक बदलता हुआ क्षण है जो जल्द ही गुजर जाएगा। इसलिए अपने कार्य की ओर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी व आनंद प्रदान करते हैं। अपनी भावनाओं को अपने अंदर एकत्रित होने ना दें। उनको अपने किसी परिवार जन या किसी करीबी दोस्त के साथ साझा करना आपके लिए बेहतर होगा। ग्रहों के प्रभाव से आप अपने प्यार के साथ आज गर्मजोशी महसूस करेंगे और उनके साथ में आनंद कर सकेंगे। दोनों को जो अच्छा लगे वो जरूर करें। ऑफिस जाने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको जिस पदोन्नति का इंतजार था वो या तो आपको मिल सकती है या आपके आसपास ही हो सकती है। परेशान ना हो, विद्यार्थियों ने जो मेहनत की है उसका शुभ परिणाम अंत में उन्हें जरूर मिलेगा। जहां तक करियर का सवाल है, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। आज कोई लंबित पड़ा व्यवसाय लेन देन फाइनल हो जाएगा और नए व्यवसाय के भी रास्ते खुलेंगे। नए संपर्क और व्यवसायिक रिश्ते बढ़ाएं। आज के दिन को एक रचनात्मक दिन बना लीजिए। हेल्थ के मामले में आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। हो सकता है आप कोल्ड की समस्या से परेशान रहें। आप जल्द ही राहत की सांस लेंगे और फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें और जल्द ही आप पहले जैसे हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज के लिए शुभ रंग सफेद रहेगा। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, आज आप अपने परिवार के साथ किसी खास प्रयोजन का जश्न मनाएंगे या फिर कहीं बाहर घूमने जाएंगे, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आज का दिन अपनों के साथ कहीं पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको खूब मजा आएगा। अपने परिवार के साथ समय बिताने से एक मजबूत रिश्ते के रूप में शुभ परिणाम मिलेंगे। आज आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। आज अपने परिवार के साथ समय बिताने व अपने रिश्ते को मजबूत करने का दिन है। आज आप ये अनुभव करेंगे कि पार्टनर के साथ बिताया गया समय कितना महत्व रखता है। आपसी प्यार को गहरा बनाने के लिए खुलकर ईमानदारी के साथ पेश आए। एक दूसरे को आप ये जताएं कि वे आपके लिए कितना अहमियत रखते हैं। इससे आने वाले समय में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में जो विकास हुआ है उसके कारण भविष्य में आपको लाभ ही मिलेगा। जिन लोगों को किसी शुभ समाचार का इंतजार था, आज उन्हें वो खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थी जिस मेहनत व लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, अंत में उन्हें अपनी मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। आज आप अपने व्यापार को फैलाने के लिए कुछ नए संपर्क बनाइए। ये नए संपर्क भविष्य में आपको कमाई के अच्छे साधन देंगे। आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप साझेदारी या साइड व्यवसाय के तौर पर कुछ करते। दिन ढलते ढलते आपने ऐसा कुछ कर लिया तो यकीनन आपको बड़ी खुशी मिलेगी। हेल्थ के मामले में किसी संक्रमण या फिर कोल्ड होने के कारण आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। अपनी सेहत का आज आपको ख्याल रखना होगा। मदिरा और मिठाइयों से दूर रहें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे। अब बारी है मकर राशि वालों की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप आज आप थोड़े चिंतित और भ्रमित महसूस करेंगे। इसलिए आज का दिन सबसे अच्छा है जब आप अपने जीवन और अपने संबंधों के बारे में पता लगाएंगे कि चिंता और भ्रमित होने के क्या कारण है। अपने करीबी लोगों के साथ अपने विचार साझा करने से आपको अपनी समस्याओं की अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के मत के अनुसार अच्छा वार्तालाप आपको किसी मामले के हल तक पहुंचा सकता है, इसलिए आपके लिए शाम का समय बेहतर है। आज आप अपने पार्टनर के प्यार का सामर्थ्य जानेंगे और वे भी आपके बारे में ऐसा कर पाएंगे। पार्टनर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। रोमांस की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए उत्तम है। मौके का फायदा उठाएं। करियर के मामले में आज आपको इस बात की खुशी होगी कि अपनी मेहनत के कारण आप अपने काम में सफल हो सके हैं। आपके साथी भी इस बात से खुश होंगे कि आपने काम में बहुत सफलता हासिल की है और आप बहुत एंजॉय करके काम करते हैं। आज तो आपके सामने व्यवसाय के एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे प्रस्ताव होंगे जो आपके व्यवसाय को एक नई चमक देंगे। इस नए मौके का भरपूर लाभ उठाइए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हेल्थ के मामले में आज आपके लिए अच्छा दिन नहीं है। आपको बुखार या फिर सरदर्द हो सकता है।
अपने आप को बचाने के लिए सावधानी बरतें। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो लापरवाही ना करें। शाम 5 से 7:30 का समय आपके लिए अनुकूल है। आज के दिन आपका शुभ रंग लाल है। बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रिय कुंभ राशि, चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होने के कारण आपकी रचनात्मकता में अत्यधिक वृद्धि आ सकती है, जिसे इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि आपकी समस्या को सुलझाने के कौशल, खासकर कार्यालय के कार्यों के प्रति अद्भुत विकास होंगे। या यहाँ तक कि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आज आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के मूड में भी हो सकते हैं और आप सकारात्मक अनुभूति भी महसूस करेंगे। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालते आ रहे हैं तो आज अच्छा समय है उन कार्यों को फिर से ध्यान केंद्रित करके कंप्लीट करने का। आज आप सारे कामों को छोड़कर अपने पार्टनर पर ध्यान केंद्रित करें। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करेंगे और अपने जज्बातों को जाहिर करेंगे। ये रिश्ते को और गहरा बनाएगा। एक दूसरे के साथ का आनंद लें। काम के लिहाज से आज का दिन बहुत शुभ है। जिन योजनाओं पर आप मेहनत कर रहे थे उनसे आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आपका करियर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आज वो समय है कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नीति निर्धारित करें और ये सोचें कि कैसे अपनी सेवा या अपना सामान ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक मुहैया कराया जा सके। इसके लिए अपने सामान या सेवा का विज्ञापन कीजिए। हेल्थ की बात की जाए तो सेहत के प्रति सावधान रहें, क्योंकि आपको बुखार हो सकता है। अगर आपको तेज बुखार है तो आज आराम जरूर करना चाहिए और कोई भी तनाव आज ना लें। अपना ख्याल रखकर आप जल्द ही बीमारी से निजात पा सकते हैं। दिन के लिए शाम 7 से 8 का समय आपके लिए सबसे शुभ समय रहेगा, इसलिए अपनी प्राथमिकताएं सीधे तय करें। आज के लिए आपका शुभ रंग हरा रहेगा। अब आती है बारी मीन राशि के जातकों की। प्रिय मीन राशि, आप शायद हाल ही में बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपका मन थका हुआ है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपको आत्मनिरीक्षण के मूड में लाता है और आपको खुद को गहरे स्तर पर समझने का आग्रह कराता है। अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत करने के लिए आज टहलने जाएं, किताब पढ़ें या कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद है। रुकें और उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको खुशी देती हैं, लेकिन पेशेवर सफलता की तलाश में आप जानबूझकर खुद को वंचित कर रहे हैं। आज का दिन बहुत रोमांस से भरा रहेगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। मधुर वाद संवाद करें, वैसी ही प्रतिक्रिया जाहिर करेगा आपका पार्टनर। कार्य क्षेत्र में हालांकि आने वाला समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन अब आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आप आसानी से अपने काम पर ध्यान लगा सकेंगे। आज खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आज अपनी आय को बढ़ाने के लिए सारे विकल्पों की तलाश करें। ये सोचें कि आप अपनी योग्यता व समय का पैसा कमाने में कितना बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जो आप घर से बाहर रहकर भी संभाल सकें। व्यवसाय शुरू करने के अपने सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार कीजिए। हेल्थ के मामले में आज आपको कोल्ड जैसी फैलने वाली बीमारी हो सकती है। अपने हाथों को अच्छे से धोएं, संक्रमण से बचने की कोशिश करें और भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। सुबह 7 से 8 का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सफेद रंग आपका लकी कलर रहेगा। ये राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।